अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि बच्चों के स्विमिंग लेसन्स थे, तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी और उनके बैग्स रेडी करने थे। तो सिंपल ही खाने में मैंने दिन को आलू पालक बना लिए थे, तो मैं कोई ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इसके लिए सिंपल ही ऑयल में मैंने 2 अनियन कट करके डाल दिए थे और 3 to 4 क्लोव्स डाल दिए थे गार्लिक के। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। इस तरह जब मैं कोई वेजिटेबल बनाती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती, क्योंकि इस तरह सब्ज़ी का टेस्ट नहीं रहता। जैसे कि गरम मसाला वगैरह मैं इसमें ऐड नहीं करती। इसको लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है और उसके बाद मैं इसमें टोमेटोज ऐड कर दूंगी, चॉप टोमेटोज। मेरे पास 10 के टोमेटोज थे और मैंने ये यूज कर लिए थे। आप इसमें फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। बस जल्दी जल्दी में ये खाना बनाया था क्योंकि मैंने जाना था बाहर बच्चों को पिकअप करने और भी बहुत सारे काम थे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर की ऐड कर दी थी और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी डाल दी थी मैंने, और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश चिली की डाल दी थी, और थोड़ा सा पेपरिका डालती हूँ मैं। और मैं रेड चिली नहीं यूज़ करती खाने में, पेपरिका पाउडर यूज़ करती हूँ कलर के लिए। इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मसाला मैंने 1 kg स्पिनिच का बनाया था। मेरे पास 1 kg स्पिनिच थी तो उसी हिसाब से मैंने बनाया था। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मसाला बना सकते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी थी इसमें मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें स्पिनिच ऐड कर दी थी। इसमें फ्रोज़न पालक भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ्रेश थी तो मैंने फ्रेश ही यूज़ कर ली थी। पालक मैंने इसलिए डाल दिया है पहले क्योंकि मैं पहले इसका पानी ड्राई करूंगी एंड देन मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। बस 5 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 to 6 मिनट के लिए और ये फिर रेडी हो जाएंगे। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे आलू पालक। तो जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में या तो सब्जी बनती है या दाल बनती है या कुछ फ्रोजन बन जाता है। आज स्कूल में डोनट सेल हो रहे थे तो बच्चों ने फिर अपने लिए डोनट्स बाय किए। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो डोनट्स को या ऐसी चीजें सेल होते देखते हैं, तो फिर उन्हें मस्ट लेनी होती हैं। तूने आज स्कूल में क्या किया था? व्हाट डिड यू डू इन स्कूल? एंड वी राइटेड डाउन सम वर्ड्स टू डिस्पेल ऑन फ्राइडे। देन इट वाज इंग्लिश। वी डिड अ स्टोरी मैप कॉल्ड लियोन एंड द प्लेस बिटवीन। एंड वी लर्नड अबाउट इट। देन इट वाज ब्रेक टाइम। And then it was maps. We learned about Columna and the times method. Then we did lunch. Then it was lunch time.
And then after lunch, we went out to play for 10 minutes. Then we went back in, and then we learned about geography. We looked at maps. अब मैं यहाँ पर बच्चों को स्विमिंग लेकर जा रही हूँ। लकीली आज वेदर भी बहुत अच्छा था, नहीं तो मई का पूरा महीना बारिशें और क्लाउडी था। अल्हम्दुलिल्लाह जून के स्टार्ट होते ही वेदर बहुत अच्छा हो गया है। वैसे तो ये बीच पे जाने का वेदर है, लेकिन टर्म टाइम में तो जाहिर है स्कूल भी होते हैं और जॉब्स भी चल रही होती हैं, तो इसलिए हम बीच पर नहीं जा सकते। वो तो इंशाल्लाह जुलाई के एंड में और अगस्त का पूरा महीना बच्चों को छुट्टियां होंगी तो फिर ही प्लान होगा बीच पर जाने का। ये हम स्विमिंग पहुँच चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं करते वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने बाहर से ही थोड़ी सी क्लिप ले लिए थे। वापसी पे बच्चों ने मैकडोनल्ड ले लिया था क्योंकि डिनर बनाने का टाइम नहीं होता। जब ये लोग वापस आते हैं उसके बाद इनको शावर देना होता है और फिर रात की तैयारी होती है, तो इसलिए मैंने इनको मैकडोनल्ड ले दिया था। और हस्बैंड के लिए मैंने फिश बना ली थी। फिश एंड चिप्स मैं एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ क्योंकि ये हेल्थी होती है, बगैर ऑयल के इसमें चीज़ें बन जाती हैं तो बहुत हेल्थी होती है। अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर यूज़ करें। फिश के साथ मैं थोड़े से वॉफल्स डाल दूंगी। तो ये था आज का दिन और आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।